शुरुआत जो बिगिनर्स बच्चे हैं जो शुरुआत करते हैं उनको किस तरह की सोच रखनी चाहिए यूपीएससी को लेके, ताकि वो बहुत ही स्लोली स्लोली आसानी से सारी चीज़ें देख सकें और उनको कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि ये यूपीएससी टफ होता है। इसमें आपकी क्या राय होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो भी बिगिनर है जिसे ये लग रहा है कि एग्ज़ाम टफ़ है, तो ये सोचिए कि टॉपर भी कभी ना कभी बिगिनर ही था। करेक्ट, उन्हें भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इवन मुझे भी स्टार्टिंग के वन मंथ लगता था कि शायद ये इट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, बिकॉज मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और साथ में मैंने जियोग्राफी स्टार्ट की, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था ना, न्यूज़पेपर से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी, प्लस जियोग्राफी मैंने स्टार्ट करती थी। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो आप यूट्यूब की हेल्प लें, और सेकेंड अगर आप जो भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो या तो आप अगर आप ऑप्शनल में कंफर्टेबल है तो ऑप्शनल से स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज़ जीएस में कर रहे हैं तो जीएस में उसी सब्जेक्ट को उठाइए जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जब मैंने ज्योग्राफी को उठाया तो आई थॉट कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन फिर मैं 15 डेज में फ्रस्ट्रेट हो गई उससे कि मुझे नहीं आ रहा, तो मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया। पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था तो मुझे काफ़ी ईजी लगने लगा कि पॉलिटी कर लेते हैं, फिर लक्ष्मीकांत मैंने कर लिया। और जब आपका एक अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, जब पॉलिटी के बाद मैंने एनवायरमेंट किया तो मुझे उससे कॉन्फिडेंस आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जब आप इस प्रोसेस में होते हैं, आप मतलब यूट्यूब पर आप स्टार्ट कर देंगे ऐसा सर्च करना, तो यूट्यूब खुद से आपको रिकमेंड करते हैं कि इसकी ये वीडियो है, इन सर ने ये, आप उनको भी एक बार ट्रिवियल देख लीजिए 5-10 मिनट के लिए कि हाँ ये किसी टीचर का है, ये किसी टीचर का, तो आपको उससे भी अच्छे अच्छे सोर्सेज पता लग जाएंगे। तो और वहाँ से फिर आपको मतलब फिर मुझे पता चला कि मृणाल सर का एक चैनल है जिसपे राज तनिल मैम के वीडियोस थे, उससे मैंने ज्योग्राफी की, तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा और फिर मुझे ज्योग्राफी भी ईजी लगने लगी। मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही और मैं कल खुद इस चीज़ को सोच रहा था, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी बच्चों की जो है काउंसलिंग करता रहता हूं और मेंटरिंग करता हूं, तो कुछ सवाल ऐसे निकल के आए जो कि मैम ने खुद जवाब दे दिया। जहां पे आपको लग रहा है कि टफ़ है, नहीं हो पाएगा, या फिर आपको लग रहा है कि कैसे करें, कब करें, क्या करें, तो मैंने बहुत अच्छी बात बताई कि शुरुआत आप उन सब्जेक्ट से कीजिए जो ईजी आपको लग रहा हो। जब आप वो पढ़ेंगे, ईजी लगेगा, आप फिर कॉन्फिडेंस आपका बनना शुरू हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें आपकी आसान होती जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये बहुत अच्छी बात मैम ने बताई। मैम प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही थी ओवरऑल, और कौन कौन से बुक आपने रेफ़र किए थे? मैंने वैसे तो सारी स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे जियोग्राफी के लिए तो एनसीईआरटीज़ थी दोनों दोनों क्लासेस की, 4 एनसीईआरटीज़ थी, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत था, ऐसे ही आईआर तो आईआर और साइंस एंड टेक मेरा कम्प्लीटली करंट अफेयर्स बेस्ड था। एनवायरनमेंट का मेरा, सिंस मेरा बॉटनी बैकग्राउंड है तो मेरा बेसिक्स तो उसके क्लियर थे और बाकी करंट अफेयर्स देखे थे। बाकी जिन्हें बेसिक्स अपनी फाउंडेशन बनानी है तो आप 12th क्लास के एनसीईआरटी का के लास्ट 4 चैप्टर्स देख सकते हैं जो बायोडाइवर्सिटी से हैं, और आप करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, कौन से स्पीशीज़, कौन से नेशनल पार्क, रामसर साइट्स ये न्यूज़ में आ रही हैं, उन्हें आपको अच्छे से करना है। और इकॉनमी के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स देखे थे, तो वो ही मेरा प्री और मेंस दोनों का मटेरियल था। यहाँ से ये सारा आपका मटेरियल हो गया है, उसके बाद आपको बहुत सारे बॉक्स लगाने हैं, उनको एनालाइज करना है, और उन्हीं को मैं उन्हीं के सॉल्यूशन की को बार बार रिवाइज करती थी ये कुछ, क्योंकि वहाँ पे हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो होती थी, और यही कि उसी का आप मल्टीपल रिविज़न करते जाइए, देखते जाइए कि आपको कितना सही आ रहा है, यही मेरा प्री का अप्रोच रहा था। मैंने सोशियो के लिए सबसे पहले मैंने एनसीईआरटीज़ कवर की थी जो 11th की 2 है 12th की 2 है, उसके बाद मैंने इग्नू का मटेरियल देखा था, तो उस मटेरियल से भी मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स के लिए मैंने वो पढ़ा था। थिंकर्स के लिए मैंने रिट्जर वाली बुक पढ़ी थी, और मतलब पेपर वन के लिए मुझे 4MIS के नोट्स मिल गए थे ऑनलाइन, तो वही नोट्स मैंने रेफ़र किए और उसमें जो भी कुछ वैल्यू एडिशन था तो मैंने कर लिया। और हेडलम्स करके एक बुक आती है, वो भी मैंने बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स के लिए पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी मैं। फिर पेपर 2 के लिए नितिन सांगवान सर की बुक आती है, नितिन सांगवान सर की जो बुक है वो उसी को मैंने अपना बेस मटेरियल लिया, और कुछ वैल्यू एडिशन था तो मैंने खुद से कर लिया। बाकी पेपर 2 काफ़ी GS जैसा ही होता है, तो जो GS के लिए आप डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं, डेटा है, डायग्राम्स है, वो आप GS 2 में भी वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको वहाँ पे थिंकर्स यूज़ करने पड़ेंगे, और पेपर 1 की चीज़ पेपर 2 में, पेपर 2 की चीज़ पेपर 1 में, प्लस फिर वही आंसर राइटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैम ये ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करें? बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब डिसाइड बाद में करते हैं, बहुत सारे होता है ना इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से उन्होंने लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट भी नहीं होता बट उनको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या लें, तो ऑप्शनल का सिलेक्शन जो होता है वो कैसे करें और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शनल के सिलेक्शन में आप एक चॉइस तो आपके पास ये है कि जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है आप उसी को अपना ऑप्शनल ले लें,
बट स्टिल आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जैसा मुझे बॉटनी में नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर ऑप्शनल्स देखे कि सोशियो है, पबेड है, एंथ्रो है, जो अच्छे ऑप्शनल्स बताए जाते हैं कि दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, और जीएस के साथ कितना ओवरलैपिंग है. इंटरेस्ट तो सबसे बड़ी बात है, वो आपको होना चाहिए, पर आप उसमें ये देख लीजिए कि आपको मतलब आप उसमें डेप्थ में जा रहे हैं तो आपको वो समझ में आ रहा है क्या, और जीएस के साथ वो कितना ओवरलैपिंग है. प्लस आप में उसके लिए ये देख सकते हैं उसके लिए गाइडेंस कितनी अवेलेबल है, मटेरियल कितना अवेलेबल है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट्स के लिए जैसे देखा जाता है कि बहुत कम गाइडेंस अवेलेबल होती है, टॉपर्स कम होते हैं, टीचर्स कम होते हैं, तो लेकिन आर्ट सब्जेक्ट में ऐसा कम ही रहता है. तो आप ये सारे फैक्टर्स देख सकते हैं कि वो ओवरलैपिंग है, सिलेबस कितना है, आप कवर कर लेंगे. टाइम भी देखिए, जैसे सोशो है तो मुझे 33 मंथ्स में मुझे ऑप्शनल कवर करना है, तो 3 मंथ्स में सोशो हो सकता था. अगर मैं उसकी जगह कोई लेंथी सब्जेक्ट लेती तो काफ़ी मुश्किल हो जाता. बहुत सही. दोस्तों, यूपीएससी क्लियर करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं. आप इस नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं अगर आप फोकस्ड हो और आप में एक डिटर्मिनेशन हो. दोस्तों, डिटर्मिनेशन से मुझे याद आया, पीडब्ल्यू और ऑनली आईएएस लेके आया है प्रतिज्ञा दिवस. आप में से कई स्टूडेंट को इस प्रतिज्ञा दिवस के बारे में पता होगा. इसमें दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्साइटिंग ऑफर्स, बम्पर प्राइज और मेगा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए. इससे रिलेटेड एक वीडियो पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं. बहरहाल, मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ऑफर्स हैं जो बता दूं. प्रहार 2024 इंग्लिश, जो पहले आपको 8999 पे करने थे, अब आपको 7499 पे करने हैं, 1500 रुपये का डिस्काउंट. उसी तरह दोस्तों, प्रहार 2024 हिंदी, इसके लिए भी आपको 7499 पे करने. टाइटन 2024 इंग्लिश, जिसके लिए आपको 8999 देना था, उसके लिए भी आपको 7499 देने. इन सभी 1500 का डिस्काउंट है, यानी ये एक प्रतिज्ञा दिवस डिस्काउंट है. अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट आप सभी के लिए है. 1500 रुपये बहुत होते हैं दोस्तों. यही नहीं, अगर आप हमारे कूपन कोड WTM को यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 500 का भी डिस्काउंट मिलेगा. पीडब्ल्यू ने एक और बेहतरीन काम किया आप सभी के लिए. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी कमेंट आती रहती, सर मुझे पीडब्ल्यू की नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, जबकि आप पीडब्ल्यू की कोर्स नहीं लिए. तो दोस्तों, पीडब्ल्यू की कोर्स अगर आप लेंगे तो ये बुक्स, नोट्स तो आपको मिलेंगी. लिंक वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पीडब्ल्यू की कोर्स नहीं ली है, लेकिन फिर भी आप उनके नोट्स और बुक्स लेना चाहते हैं, तो आपको अमेज़ॉन पे ये आसानी से मिलने वाला है. पीडब्ल्यू यूपीएससी संपूर्णा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मिलेगा आपको 149 पे. पीडब्ल्यू यूपीएससी संपूर्णा एंसेंट इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी हो, मेडिवल इंडिया हो, पॉलिटी कंस्टिट्यूशन हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोल, ये सारी चीज़ें आपको अमेज़ॉन पे मिलेगी. अमेज़ॉन की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप जाके इजिली परचेस कर सकते हैं. तो आइए इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और मिल रहे बेहतरीन डिस्काउंट का फ़ायदा ज़रूर उठाइए. मैम, एक और चीज़ जिसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं एस्पिरेंट, और उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, खासकर जो बिगनर्स होते हैं, उनको सिलेबस समझ में नहीं आता. इतनी लेंदी बड़ी सिलेबस है, इसको हम आसानी से कैसे समझें यूपीएससी सिलेबस को? यूपीएससी के सिलेबस को आसानी से, एक तो जो उन्होंने मेंस का सिलेबस दिया हुआ है वो काफ़ी उनका सॉर्टेड है, लेकिन अगर आपको उसके अंदर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए एक बार. आपको थीम्स पता लग जाएगी किस थीम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और अगर उन्होंने GS1 है और उन्होंने जियोग्राफी दिया है तो उसमें बस जियोग्राफी के क्वेश्चन ही आएंगे, उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट इंक्लूडेड आएगा. तो आपको पता लग जाएगा कि एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है इसके सिलेबस में. थर्ड, आप ये कर सकते हैं, कई सारी कोचिंग वाले इसका भी सब पार्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं हर पेपर का, मतलब जो मेंस का सिलेबस उसका भी सब पार्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं. और नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं, आप बिगिनर हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है, तो आपको साथ में लिख के देंगे कि ये GS2 के इस पार्ट से है, इस सिलेबस किस पार्ट से है. करंट अफेयर्स जो मैगजीन्स होती है उसके अंदर भी वो पार्ट मेंशन करते हैं कि ये इस पार्ट से है. और बाकी आप अगर सिलेबस जहाँ से कवर कर रहे हैं कम्प्लीटली, अगर कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो कम्प्लीटली आप बुक से तो कवर करते नहीं हैं, यूट्यूब से ही करते हैं, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा. लेकिन सबसे ज़्यादा आइडिया आई थिंक आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स से लगेगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ये थीम है कि इन्वायरमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ज्योग्राफी में, जैसे ज्योग्राफी में हार्डकोर ज्योग्राफी बहुत कम आती है कि अर्थक्वेक का फॉर्मेशन, मतलब अर्थक्वेक की प्रोसेस, ऐसा ज़्यादा नहीं आता है. हार्डकोर ज्योग्राफी नहीं आ रही, वहाँ अप्लाइड आ रही है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, इन सबको इंक्लूड करके आ रहा है. तो ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने से ही आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमें अल्टीमेटली यूपीएससी का ही देना है. तो यूपीएससी का माइंडसेट क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये आपको उनके पेपर्स से ही पता लग सकता है.
बाकी आप टॉपर्स की वीडियोस देख सकते हैं। 10 ईयर्स तो मिनिमम देख ही सकते हैं, बिकॉज मैंने भी जो पेपर्स देखे तो मुझे लगा कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है, प्रॉब्लम सेम है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, या इकॉनमी में कुछ रिसेशन वाली दिक्कत है, तो वो सब सेम है। बाकी कोविड के बाद भी काफ़ी कुछ चेंजेस आने लगे हैं आप क्वेश्चन में, तो वो आप अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कोविड जैसे सोशो है तो सोशो में कोविड का काफ़ी रोल, ऐसा बार बार क्वेश्चन आते हैं कि कोविड इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी, ऑन फैमिली, ऑन जॉब्स, तो ये आप अपने सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। बाकी 10 ईयर्स तो मिनिमम आपको देखना ही है, मिनिमम 10 ईयर्स का देखना है। मैम अगर ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें आपने कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ किए थे, जैसे साइट होते हैं, ऐप्स होते हैं, ये भी बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में बताइए। ऑनलाइन रिसोर्सेज मेरे बहुत सारे थे सिंस मैं कोविड टाइम पे मैंने प्रिपेयर किया था, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यूट्यूब पे मैं कुछ चैनल्स का नाम लूँ तो उसमें एक स्लीपी क्लासेस है जो अभी काफ़ी पॉपुलर है एस्पिरेंट सोशियोलॉजी के लिए, सोशियो के लिए भी, और उनका एक प्रीमिक्स करके इनिशिएटिव है तो उसमें वो 5-5 प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस बताते रहते हैं, उसमें आपको वो एक्सप्लेनेशन भी सुनने को मिलता है तो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकेंड जैसे जियोग्राफी के लिए है तो एक अमित सेन गुप्ता करके किसी ने चैनल है उनका, तो उन्होंने एनिमेशन से सब कुछ समझाया हुआ है जो जियोग्राफिकल प्रोसेसेस होते हैं। और एक हर्षित द्विवेदी करके चैनल है एजुकेशन का, तो उस वो अपना करंट अफेयर्स का भी बताते हैं और उसमें थोड़ा ट्रिवियल वाली वो भी आते रहते हैं वीडियोस। ऐसे ही स्टडी आईक्यू करके चैनल है तो उसमें टॉपिक वाइज वो होता है, तो उसमें 10 मिनट्स का आपका टॉपिक होगा, अगर आपको मतलब किसका भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, खाने खाते टाइम आपको देखना है तो आप वो 10 मिनट्स में भी वो देख सकते हैं। और ऐसे ही लाइक बायजूस है, ऐसे जो भी कोचिंग वालों के वो होते हैं तो उसके आप देख लीजिए कोई इनिशिएटिव अगर आपको पसंद आ रहा है, तो जैसे पीडी से मैंने प्रीलिम से पहले मैंने क्रैश कोर्स के लिए वो सब चीज़ें देखी थी कि किसी पे क्रैश कोर्स आ रहा है तो मैं देख लेती थी कि क्या क्या टॉपिक से बता रहे हैं, अगर कुछ न्यू टॉपिक है जो मुझसे अभी तक कवर नहीं हुआ है तो फिर मैं उसको पिक कर लेती थी ऐसे। और PIB इंडिया है, उसको मैं वो डेली का होता है आपका मिनिस्ट्री वाइज उसमें इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं मिनिस्ट्री वाइज उसमें न्यूज़ देख लेती थी। और बाकी अगर आपको ये सूटेबल लगता है कि आप एट द एंड ऑफ द मंथ उसको देखें तो आप एक मिनिस्ट्री पे चले जाइए और पूरे मंथ की न्यूज़ आपके पास आ जाएगी, तो अगर कुछ रिपीटेड मटेरियल होगा तो आप उसको हटा सकते हैं ऐसे। और मृणाल सर का जो मृणाल सर का कुछ वेबसाइट है उनकी mrunal.org, उस पर प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उन्होंने अपना अलग एनालिसिस बना रखा है कि इतने ईजी थे, इतने मीडियम थे, इस सब्जेक्ट का इतना है GS1 में, तो ये सारे सोर्सेज आप देख सकते हैं। मैम ने यूट्यूब मीडिया को भूल गई, यूट्यूब मीडिया का चैनल भी देखती थी, फॉलो करती थी, दोस्तों मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ठीक है। ये आपको रिसोर्सेज ऑनलाइन रिसोर्सेज मैम ने बताया। मैम आपने कोई कोचिंग वगैरह भी ली थी? हाँ, मैंने कॉलेज टाइम पे कोचिंग ली थी, लेकिन वही कि मैं कॉलेज के साथ नहीं मैनेज कर पाई, तो मुझे कॉलेज के बाद पूरा खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ी। आपको कैसा लगता है मैम कि कोचिंग लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, मतलब एक आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में? आई थिंक इट डिपेंड्स कि आपके पास टाइम कितना है और आप खुद को कितना एबल मानते हैं। अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है, लाइक आपके पास 2-3 साल है, तो आप कोचिंग आराम से ले सकते हैं कि कोचिंग के साथ जा रहे हैं। बट आपके पास अगर आपने ये सोचा है कि आपके पास कॉलेज के पास बस 1 साल है, तो उस 1 साल में आप कोचिंग मत लीजिए, तब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ कम टाइम में उस चीज़ को कवर कर पाएंगे। कोचिंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे इतना रिलाई मत रहिए, क्योंकि कई बार मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है और आपको अगर उन्होंने बताया कि 9 मंथ्स में कवर करेंगे तो 12 मंथ्स लग जाते हैं, आपकी प्रिपरेशन उससे हैम्पर हो जाती है, खुद का कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है और आप वो वाला अटैम्प्ट मिस कर, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा। तो वो वाला अटैम्प्ट उन्होंने मिस कर दिया कि अब हम नेक्स्ट अटैम्प्ट में देंगे, तो यही है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लीजिए कोचिंग, कि हम आराम से कोचिंग भी कर लेंगे और बाद में सेल्फ स्टडी का टाइम होगा, लेकिन अगर आपके पास बस 1 साल है तो उसमें आप सेल्फ स्टडी पे ही फोकस कीजिए।